पंजाब में आए हो देसी घी ना मिले ऐसा कभी हो सकता है? ओ भाई पकोड़ियां वाली कढ़ी पकोड़े चेक करो, प्लेट ऊपर तक भर रही है, क्या बात है क्या बात है, सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाली हुई है। और एक चीज है, जितने भी ढक्कन खुलते जा रहे खुशबू बड़ी आ रही है इसमें से। मिक्स सब्जी आलू गोभी दी, आलू गोभी दी सब्जी चेक कर लो ना, कुछ कुछ दे रही हो। हां जी खाओगे तो याद करो। तो सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम आए हैं लुधियाना में डुगरी फेज 2 में गुणवंती रसोई पे रंजीत कौर मैम के पास, जो कि यहाँ पे इतनी अच्छी कार्ड हाइजीनिक कार्ड लगा के यहाँ पे सेल कर रही है जी, कड़ी चावल और राजमा चावल। तो आइए जल्दी से मिलाते हैं, दिखाते हैं और टेस्ट करवाते हैं आपको देसी घी का स्पेशल खाना। तो आइए। सत श्री अकाल आंटी। सत श्री अकाल आंटी। सब तो पहला तो अपना नाम दस दो जी। मैम मेरा नाम रंजीत कौर है। अच्छा जी, तो तुसी इत्थे इन्ना सोहना कार्ड सेटअप किया होया है, तो थोड़े कोल इत्थे हुंदा की है जी, सानू दिखाओगे जी? हाँ जी मैम, मेरे पास कड़ी चावल, राजमा चावल, आलू गोभी सब्जी, फुलके, राइस वगैरह सब कुछ हुंदा। बड़ी वैरायटी रखी हुई है जी, सानू जरा खोल के दिखा दो। मैम ए मेरे राजमा ने। क्या बात है, कितना सोहना कलर आ रहा है इत्थे। और आंटी चित्रा राजमा? हाँ जी मैम, चित्रा राजमा ने। क्वांटिटी चेक करो और देखो भाई, खुलते ही इतनी अच्छी खुशबू आई है ना इसमें, मजा आ गया। और क्या क्या होता है आंटी आपके पास? और मैम मेरे पास कड़ी होती है, कड़ी। ओ भाई पकोड़ियां वाली कड़ी, पकोड़े चेक करो क्या भर तड़का लगा के। हाँ जी आंटी, बेसन के पकोड़े? हाँ जी बेसन के पकोड़े है। अब आते इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है आंटी, क्या डाला है इसमें? अपने घर के मसाले। हाँ जी। और मैम ये मेरे राइस है। ओ राइस, राइस आंटी है तो वेज पुलाव टाइप लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाली हुई है। और एक चीज है, जितने भी ढक्कन खुलते जा रहे खुशबू बड़ी आ रही है इसमें से, खाओगे तो और भी आनंद आएगा। अच्छा जी मिक्स सब्जी आलू गोभी दी, आलू गोभी दी सब्जी चेक कर लो जी। और ये बदलती रहती है, रोज सेम होंगी? हाँ जी, अब मक्की दी रोटी, सरों दा साग आएगा एक दो दिन तक। हाँ जी क्या बात है। ए मेरी चटनी हैगी है। वाह चटनी चेक कर लो आंटी, धनिया पुदीने वाली चटनी? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, पुदीने वाली है, सारा मिक्स समान इच पानी है मैं। हाँ जी। और ए टमाटर ने नाल सलाद देनी है। वाह सलाद भी दिंदे हो, इतना कुछ तुसी दे रहे हो। हाँ जी। और ए मेरे प्याज ने। अच्छा जी। और मैं देसी घी पा के देनी है, देसी घी भी डाल के दे रहे हो आंटी, क्या बात है। इस टाइम खत्म मैं बेटा गया। अच्छा जी, ए मेरे देसी घी है जी। वाह जी वाह, और इतना सामान आपके पास होता है आंटी, प्राइसेस क्या क्या होते हैं फिर? मैम मेरा हाफ प्लेट हैगी 40 दी, फुल हैगी 60 दी। इतना सस्ता? हाँ जी मैम, मतलब इतना सारी क्वांटिटी पा के, देसी घी डाल के, सैलेड दे के, प्याज डाल के, इतनी सस्ती? हाँ जी। तो आंटी आपने स्टार्ट कैसे कर लिया, आइडिया कैसे आ गया आपको? वो मैं पहले स्कूल में काम करती थी। हाँ जी। सतपाल मित्तल स्कूल में। हाँ जी। तो वहाँ पे हेल्पर में लगी थी। अच्छा जी। तो उसमें कुछ सैलरी कम थी, टाइमिंग भी ज्यादा थी। हाँ जी। तो मैंने सोचा कुछ है, मैं अपना करके दिखाऊँ सबको। अच्छा, इसीलिए मैंने अपना कार्ड लगाना शुरू किया, अपना ही बनाने लगी। आंटी फिर हमें भी प्लेट लगा दीजिए, कड़ी चावल राजमा चावल। ठीक है जी, ये देख लो हमारी लगने लगी है जी, मिक्स कड़ी चावल और राजमा चावल की प्लेट। सबसे पहले आ गई थी राजमा, प्लेट में डल चुके हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और क्वांटिटी चेक कर लो, इतनी सारी क्वांटिटी मिलने वाली है आपको 40 रुपीज में। तो आंटी आपको कुकिंग का शुरू से ही शौक था? हाँ जी मैम, मेरे को खिलाने का बहुत शौक है। अच्छा जी, वो तो दिख ही रहा है इतने अच्छा, साफ सफाई यहाँ पे चेक कर लो, बिल्कुल साफ सफाई से आपको मिलने वाला है। क्या बात है, प्लेट हमारी सजनी शुरू हो गई है, पूरी भरने लग गई है जी, ऊपर से आएगी कड़ी। ओहो पकौड़ा कड़ी आ गई भाई। आंटी खांदे खांदे खत्म हो जाए, होर पा देंदे हो? बिल्कुल पाने हैं जी, असि गाहक नु ओ नहीं करते हैगे। अच्छा, खुश करके रखी जाना। क्या बात है, देखो हरी चटनी पान लगे जी। अच्छा जी वाह, देख लो जी चटनी, आप देख लो 40 रुपए में मेरे को नहीं लगता। ये देख लो, हो देसी घी और सैलेड डाल के 40 रुपए में। वाह, और प्याज है, क्या बात है। ये देख लो जी, प्लेट हो गई है हमारी तैयार, और मुझे नहीं लगता 40 रुपए में इतना सारा सामान डाल के आपको मिलने वाली है। और आंटी आपके पास रोटियां वगैरह भी होती? हाँ है जी, फुलके रख दिया। उन्हां दा की प्राइस हुंदा जी? उन्हां दा 40 रुपए दी, मतलब की सब्जी जड़ी मर्जी ला लो, 4 फुलके नाल सलाद। वाह, अगर 60 रुपए दी थाली बनानी, 2 सब्जियां, सलाद, 4 फुलके। अच्छा थाली सिस्टम भी आपके पास भी है? अच्छा जी, ये थाली में 60 रुपए दी, 4 फुलके। हाँ जी। और 2 सब्जियां, सलाद, थोड़े राइस। हाँ जी, 60 रुपए। तो आंटी फिर ये भी बना के दिखाई दो अपन। यहाँ पे आओगे तो आपको प्रॉपर फुल फ्लेज खाना मिलने वाला है। तो हमारी थाली तैयार हो रही है, तो आप हाइजीन चेक करो, प्लेटें बिल्कुल साफ, साथ में टिश्यू पेपर वगैरह भी मिल रहा है, और खाना तो यहाँ पे भरपूर मिलने ही वाला है। क्या बात है आंटी, रोटियाँ का की प्राइस होंगे जी? रोटी 6 रुपए दी, मैम मैं देनी है। अच्छा, 6 रुपए की एक देते हैं रोटी। ये प्याज आ गई, 6 रुपए की रोटी मिल जाती है। और थाली में कितनी रोटी देते हो? 4 मैम, 4 रोटी, 60 रुपीज में 4 रोटी, बहुत होता है यार एक बंदे को। और साथ में देख लो सैलेड वगैरह तो आ ही रहा है यहाँ पे, क्या बात है।
₹60 में आपको यहाँ पे देख लो सब्जी मिलने वाली है। क्या बात है, ये हमारी सब्जी आ गई जी। और देखो कलरफुल कितनी है, इतने सारी मिक्स वेज टाइप बनाई है। और भर के देख लो, प्लेट मिलने वाली है, पूरी प्लेट ऊपर तक भर रही है। क्या हुआ था, मेरे को खिलाने का शौक है। आप कढ़ी और राजमा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आप डलवा सकते हो। और यहाँ पे हमारी प्लेट सजल लग रही है। और देसी घी, तो यार पंजाब में आए हो, देसी घी ना मिले ऐसा कभी हो सकता है? खाओगे तो याद करोगे। आंटी जी यहाँ पे बिल्कुल आपको सुंदर सी काट लगा के मिल जाएंगे। सुबह मेरी 10 बजे लग जाती है, शाम के 4-5 बजे तक रहती हूँ, और शाम तक ही मेरा गर्म खाना रहता है। शाम तक आपको गर्मा गर्म खाना मिलेगा। मैं संडे की छुट्टी करती हूँ। अच्छा जी, संडे को ऑफ होता है, बाकी मंडे टू सैटरडे फुल टाइम यहाँ पे आंटी जी आपको मिल जाएंगे। और आंटी जी लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन मैम ये दुगरी रोड, हाँ जी, फेज 2। हाँ जी, और सामने सुपर मार्केट के सामने मेरे ATM है, उसके सामने ऑपोजिट लगाती हूँ। तो लोकेशन आपको दिख गई है, सामने देख लो आंटी जी के, बिल्कुल ये चलती सड़क है दुगरी फेज 2 की। और ये आ गया सामने ATM और सुपर मार्केट है, यहाँ पे क्लिनिक है आपके सामने, और बिल्कुल उसके सामने आपको 10 बजे मैम मिल जाएंगे यहाँ पे। प्लेट आ गई है, 60 रुपए की प्लेट है जी। हाँ जी, तो ये देख लो जी, मैम ने यहाँ पे खाने के लिए बढ़िया टेबल का भी इंतजाम कर रखा है। खड़े होके नहीं खाना पड़ेगा, तो हम अपना सामान यहाँ लेके आते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, पंजाब में मशहूर है 100 चाचे 1 प्यो, 100 डाल दे 1 क्यों। और इसी बात को साबित करने के लिए अब हमारी प्लेट यहाँ पे आ चुकी। तो सबसे पहले जो हमारी ये प्लेट चेक कर लो, 60 रुपीज़ मैम ने बताया देते हैं। 60 रुपीज़ में हमारे पास देसी घी वाले हमारे पास आ गए, 4 फुलके, साथ में आ गया जी देख लो सैलेड और हरी पुदीने धनिया वाली चटनी, साथ में आ गई जी ओवरफ्लो होने वाली ये देख लो जी बढ़िया आलू गोभी की सब्जी, जिसमें और भी सब्जियां मैम ने डाली हैं और ये डेली बदलती रहती है। और आ गया जी हमारा ऑप्शन कड़ी पकौड़ा या राजमा चावल का, जिसमें हमने ले लिया कड़ी पकौड़ा, और मैंने खा भी लिया और सही में बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ जाओ, अगर आपको छोटी पैकिंग में खाना खाना है, ये है जी हाफ प्लेट 40 रुपीज़ की। साइज चेक करो, क्वांटिटी चेक करो, और भाई मुझे नहीं लगता लुधियाना में इतना सैलेड चटनी और इतना भर के कोई देता होगा। ये हमारी मिक्स प्लेट है जी, इसमें हमने राजमा कड़ी और चावल तीनों डलवा लिए, चावल बासमती देसी घी। भाई चेक कर लो, पंजाब में आए हो ऐसे ही चौपड़ के मिलने वाला है तुम लोगों को। और सब अब मुझसे रुका नहीं जा रहा। और आंटी ये देख लो गरम इतना है ना, आंटी ने बोला इनका सुबह से लेके शाम तक खाना गरम और लस्सी और पानी ठंडा रहता है। अब जब मर्जी आ जाओ आपको बिल्कुल बढ़िया खाना मिलेगा गर्मा गर्म। तो भाई कड़ी पकोड़े से हम शुरुआत करते हैं जी। तो ये बना लिया अब हमने बाइट, खाते हैं यार बस बातें कम करते हैं। ओए होए होए, इतना टेस्टी चटनी, क्या बात है, खट्टी मीठी चटनी और बहुत ही अच्छा स्वाद। अब इनकी यार आलू गोभी ट्राई कर लेते हैं, देसी घी अगेन आप चेक कर लो। ये देख लो जी आलू गोभी भी क्या यार, मिक्स वेजिटेबल ही आंटी ने इसको बना दिया, इतने सस्ते प्राइस में आंटी यहाँ पे देते हैं यार। जैसे घर में मम्मी दादी नानी बनाते हैं ना खाना घर का, वैसा वाला टेस्ट आ गया, बहुत मज़ा आ गया यार मुझे तो खा के। तो रोटी कहती है तो खा लिया हमने, बट जो चावल लवर है हमारे, कड़ी चावल राजमा चावल लवर्स हैं, उनके लिए आ जाती है हमारी ये 40 रुपीज़ की हाफ प्लेट। इतनी क्वांटिटी है 40 रुपीज़ की हाफ प्लेट में, और बड़ी लेना चाहो तो 60 रुपीज़ की मिल जाती है फुल प्लेट। तो इसको हम ट्राई करते हैं जी। ये देखो जी बड़े बड़े पकौड़े, आंटी ने जब डब्बा खोला था क्या बढ़िया उसमें से खुशबू आ रही थी, घर के सारे मसाले डले हुए थे, और गर्मा गर्म आपको मिलेगा। और लस्सी भी आंटी कह रहे 2-3 दिन में शुरू करने वाले हैं, तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे लस्सी शुरू हो चुकी होगी, तो वो भी अगर आप पीना चाहो तो ज़रूर लेना, ठंडी ठंडी मिलेगी आपको। तो आप खा के देखते हैं। ओहो कुकिंग बहुत अच्छी है यार आंटी की, इतना यम्मी खाना है ना भाई साहब। तो खाना तो हमने खा लिया है, लोकेशन हम आपको जरूर बता देते हैं यार, ये वर्थ ट्राई जॉइंट है। तो लोकेशन ये देख लो, सामने जी आपको डेंटल क्लिनिक है, उसके साथ आपको HDFC का ATM है, उसके बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करोगे बिल्कुल सामने आंटी ने अपनी सुंदर सी हाइजीनिक सी कार्ट लगा रखी है। प्रॉपर लोकेशन है, डुगरी फेज 2 में पड़ती है, और आपको ये ज़रूर विजिट करना है। सबसे बढ़िया चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो ये आंटी की मेहनत और काम के लिए जुनून, सुबह से शाम तक खड़ते हैं, फ्रेश खाना गर्मा गर्म देते हैं, एक लाइक तो बनता है यार आंटी के लिए। और अगर आपको वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन और सब्सक्राइब का बटन तो आपके लिए खुला ही है जी, खोल के कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। और तब तक के लिए रब रखा, चाओ।